वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। फ्यूचर रिटेल को फिर यहाँ पे मंडे के दिन यहाँ पे लो सर्किट लगा था, उसके बाद फिर से ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड हुए। ऐसे ही हम लोगों को थोड़े दिन और देखने को मिलेंगे, ऐसी मूवमेंट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि देख सकते कि फ्यूचर रिटेल में जो है ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया है IBC की तरफ से। क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते फ्यूचर रिटेल है और यहाँ पे आप देख सकते कि एक क्रेडिटर्स होते हैं जो यहाँ पे कर्जा देते हैं कंपनी को। जो क्रेडिटर्स होते हैं उन्होंने पैसा फ्यूचर रिटेल को दिया कर्जे में, पर वही पैसा अभी रिसेंटली जो पैसा है वो फिर से नहीं दे पा रही है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल क्रेडिटर्स को। उसी की वजह से जो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है वो इसी की वजह से इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टसी उसका सोल्यूशन निकाल रहा है। तो रिसेंटली देख सकते कि जो यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के जो एसेट्स है और यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते जो एसेट होते हैं ना फ्यूचर रिटेल के, वो यहाँ पे आप देख सकते रिसेंटली क्रेडिटर उस एसेट के ऊपर नज़र डालते हैं कि एसेट बेच के उनको पैसा चाहिए। मीन्स यहाँ पे देख सकते क्योंकि फ्यूचर रिटेल फिर से पैसा नहीं दे रहे तो लोग उन्होंने एसेट के ऊपर नज़र डाली है। तो रिसेंटली देख सकते कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टसी कोर्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते कि प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, जैसे एसेट बेच के आया कुछ तो सोल्यूशन निकाल के यहाँ पे क्रेडिटर्स का जो पैसा वो फिर से देने के लिए यहाँ पे कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे। तो जैसे ही पैसा यहाँ पे रिटर्न कर देते तो यहाँ पे आप देख सकते कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे फिर से ट्रेडिंग आप हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो रिसेंटली देख सकते कि स्टेज 1 पे रिसेंटली ट्रेडिंग यहाँ पे बैन है। तो रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ पे कोई खास यहाँ पे नहीं, इनका जो पीरियड होता है यहाँ पे आप देख सकते कि 90 डेज टू 180 डेज का टाइम रहता है, उसके बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक डिलीट होने की कोई बात सामने नहीं है, तो यहाँ पे डरने की भी कोई बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया है IBC की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे डेप्ट का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो फिर से ट्रेडिंग पहले जैसे चालू हो जाएगी। अपडेट की बात की जाए यहाँ पे आप देख सकते फ्यूचर रिटेल के, तो रिसेंटली देख सकते कि तकरीबन 5 तारीख को यहाँ पे अपडेट आया था CRP, यानी कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्रोसेस जो है उनका यहाँ पे अपडेट आया होगा। मीन्स एक्शन चालू है अभी, मीन्स यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे जो प्रॉब्लम चालू रही थी उसके ऊपर एक्शन अभी भी चालू है। जो प्रॉब्लम जल्दी सोल्यूशन निकलने और यहाँ पे ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि देख सकते कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ही यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं और किसी को अपनी पोजिशन क्लियर करने को चांसेस भी नहीं मिलते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर रिटेल के लिए।